हेलो वेलकम बैक टू द चैनल। वापस हम लोग आ चुके हैं कार फॉर सेल सिमुलेटर में। आज ना हम इस गेम की सारी एक्सपेंसिव सुपर कार्स को बाय करने वाले, चाहे वो 2 मिलियन की हो, 3 मिलियन की या फिर 10 मिलियन की, जितनी भी हो। हाँ, रेयर कार अभी हम लोग बाय नहीं कर सकते क्योंकि उनके लिए ना एक अलग मैं एपिसोड बनाऊंगा, क्योंकि वो एक अलग चीज है। मतलब उसके लिए बहुत इंतजार करना होता है, पैसे से ज्यादा उसमें टाइम लगता है ढूंढने में उसको, तो वो एक अलग चीज है। बाकी अपनी सुपर कार यहाँ पे पता नहीं कैसे चल के इतनी आ गई, तो ये अभी हम लोग इसको लेके चलते हैं। ये अभी अपनी कार रहेगी, मतलब हम लोग इसी को चलाया करेंगे। और 4 बजे ऑक्शन है, तो आज मुझे ऐसा लगा था कि मेरे पास बहुत पैसे, बट नहीं यार। एक सेकंड, एक काम करते हैं, जल्दी से इन 2 कार्स को पहले निकालता हूँ, ठीक है? तो इनसे जो पैसे मिलेंगे उससे हम लोग ऑक्शन में आज जाके गाड़ियां बाई करेंगे। अगर हमको रेयर कार मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, रेयर कार भी हम लोग ले लेंगे। अगर नहीं मिलेंगे तो हम लोग सुपर कार्स को लेने वाले हैं, और उसमें अपनी ऑडी R8 आ जाएगी। और उसके अलावा हम लोगों ने ये तो ले लिया, हमको सुपरा भी चाहिए, तो सुपरा मिलने के चांस थोड़े वहां पे ज्यादा है, क्योंकि यहां पे ना सुपरा थोड़ी कम मिल रही है। तो ये मेरे को काम करना है आज, 2 बहुत इंपॉर्टेंट वाले। तो सबसे पहले हम लोग इन 2 कार्स को लगा लेते हैं अपने गैलरी एडवर्टीजमेंट का। क्या है, 80,000 में? बाप रे, क्या कर दिया है, इतना महंगा 80,000 में क्या करूंगा मैं। तो हम लोग सबसे पहले लैम्बोर्गिनी तो नहीं, इसको हम लोग लगाते हैं। 1 लाख रुपए की BMW N3 को, इसको हम लोग 3 लाख में सेल करने का ट्राई करते हैं। और उसके अलावा एक और चीज है जो मेरे को लगानी है, दूसरी वाली कार Porsche 170 की है ना, तो इसको हम लोग 5 लाख 50 हजार मैंने डाला हुआ है रेट, क्योंकि मेरे को याद है कि पहले मैंने इसको 5 में बेचा हुआ है, 4.80 तक शायद मैंने बेचा है, 80-90 के अराउंड जितना भी है। चांस है कि ये बिक जाएगी अपनी, तो हमारे पास पैसे हो जाएंगे अच्छे खासे। के अलावा अपने पास अभी पैसा तो बहुत है, बहुत ये सेकंड, ये क्या हो रहा है, पैसा बहुत है अपने पास, बस वही है कि मैं ये अभी बेचना नहीं चाह रहा हूँ यार। ये 8-9 लाख की मैंने बाई करी हुई है, मैं इसको चाहूँ तो आराम से 3 मिलियन में बेच सकता हूँ और हमारे पास बहुत पैसे आ जाएंगे। बट अभी फिलहाल तो मैं रख रहा हूँ इसको, फिलहाल ये हमारी गाड़ी है। अगर मेरे को इससे बेटर गाड़ी मिल गई, फरारी, यार फरारी नहीं दिखी मुझे इसमें मार्केट में कभी भी, और ना ही मेरे को सुपरा दिखी है। तो अगर मेरे को सुपरा मिल गई तो सुपरा रखने वाला हूँ, फरारी मिल गई तो फरारी रखने वाला हूँ, वरना ये लैम्बोर्गिनी ही रहेगी हमारे पास फिलहाल। अब मैं एक गाड़ी तो अपने पास परमानेंट रखने वाला हूँ। यहाँ पर जो मार्केट है ना, ये वाली मार्केट नेबरहुड वाली, यहाँ पे मतलब नेबरहुड है, वहां पे उतनी ज्यादा गाड़ियां अच्छी नहीं मिलती, पता नहीं क्यों। मतलब 5 लाख 50 हजार मैंने बोला हुआ है, 3.62 बोल रहा है, मेरे को आराम से 4 लाख तो दे देगा। अब मैं 4 लाख में तो नहीं बेचने वाला इसको यार। मेरे पास स्किल पॉइंट्स हैं क्या? कुछ एक स्किल पॉइंट है, मैं एक स्किल पॉइंट से क्या कर सकता हूँ? नहीं, यहाँ पे मैं कर सकता हूँ 100 डिटेल्स में, तो मेरे को डिटेल्स अब जाके देखने स्टार्ट हो जाएंगे गाड़ियों की। एक और कस्टमर आ चुकी है, अगर ये हमको 4 लाख से ऊपर देते तो हम बेच देंगे इसको, 396। अगर मैं इसको 5 बोलूं 65 4 लाख, एक सेकंड, एक और कस्टमर आई, जरा उनसे बात कर लूं मैं प्लीज, तो देखते हैं कि ये मेरे को कितना रेट देने वाले हैं। मैं भूल चुका हूँ कि मैंने इसको कितने में बेचा था। नहीं नहीं यार, ये नहीं, तो फिर तो मेरे को लग रहा है कि इनको बेचना पड़ेगा। 4 लाख तो ऑलरेडी दे रहे हैं मेरे को ये, 450 तक आराम से, 467 बिक जाएगी मेरे को लग रहा है। नहीं यार, 450। ऑलराइट, तो 4 लाख 50 हजार में बेची, थोड़ा सा कम रेट कह सकते हैं, बस वही कि बहुत लंबा वेट करने से बेटर है कि पहले ही बेच दो। तो 2 लाख 39 हजार मेरे को दे रहा है बंदा, एक बार इससे बात कर लेते हैं। यार इतना हट्टे कट्टे, इतने बड़े बड़े से, लंबे से कैसे दिख रहा है, उनका शोल्डर ऐसा बिल्कुल ब्रॉड, पता नहीं क्या चल रहा है। 238 ना ही मेरे को ये बंदा अच्छा दे रहा था। उसके अलावा 2-3 एक जैसी लड़कियां आ रखी है, बस कपड़े अलग है, 2 के तो कपड़े भी सेम है, पहले इनसे बात करते हैं। 2 लाख भी मिल जाए तो हम लोग डबल रेट मिल जाएंगे, लेकिन 245। ऑलराइट, 178, एक तो इनमें सबसे बेस्ट कस्टमर है, अब वो ये वाली लड़की थी, 246, अब ये वाला बंदा था, एक बार ये देख के आता हूँ मैं, ये बंदा कितना बोल रहा था, आई थिंक ये 270 कुछ बोला था कि इसने, नहीं 270 तो नहीं, 239, और ये वाली लड़की कितना बोल रही थी, इन दोनों में कंफ्यूजन है, 239 उस बंदे ने बोला था, 170, नहीं ये लड़की थी वो, नहीं ये भी नहीं थी, ये थी ये वाली लड़की थी, ये मेरे को कुछ, अबे यार सब लोग, ये दोनों के दोनों अच्छे कस्टमर चले गए यार। एक सेकेंड, ओ इसकी हाइट देखो और इस लड़की की हाइट देखो, मैं वही सोचू कि यार यहाँ पर 2 लोग से लग रहे हैं मेरे को, बट मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। 232, ओके 232, यार ये लोग थोड़ा जल्दी नहीं जाने लग गए पहले के कंपैरिजन में, पहले थोड़ा ज्यादा टाइम तक वेट करते थे। 245 बेहतरीन, तो वापस हमको मेरे को लगाने हैं इसके ऑफर 285, बहुत ही आराम से। BMW N3 भी इतनी महंगी बिक जाती है, 336 हो रखा है, टाइम बिल्कुल सही है अभी हमारे वहां जाने का, और एक शॉर्टकट रास्ता था वो मुझे देखना पड़ेगा गाइस कि किधर से है वो। चलो हम लोग बाय कर लेते हैं यहाँ से एक टिकट। नहीं, इसको बिल्कुल भी नहीं, मेरे को पता चल चुका है यहाँ पे क्या स्कैम कर रहे हैं ये लोग। ओ ये हम लोग इसको ले सकते हैं, या फिर पैसे बचा लूँ, मैं पैसे बचा रहा हूँ, मेरे को देखना है कि कौन सी गाड़ी इससे महंगी वाली, क्योंकि अगर कोई गाड़ी अच्छी आती ना, वैसे ये भी 4 लाख तो पहुँच चुकी है। ये वो है यार, वॉक्सवैगन बीटल, नहीं ये तो नहीं, अबे लो
अच्छा था कि मैं वही वाली लेता, फोर्थ में अगर कोई अच्छी गाड़ी आ गई तो सही है, वरना फिर हमको कुछ नहीं मिलने वाला यहाँ से। ऑलराइट, फोर्थ कार हमारी आई है, एक मस्टैंग आई है यार, ले लूँ अब क्या करूँ। ये तो मेरा मन मार के लिए, मैंने मेरा मन था नहीं बिल्कुल भी इसको लेने का। तो अभी हम लोग हावर में आ चुके हैं, एक एक चक्कर मेरे को रोज आना पड़ेगा यहाँ पे। अब दूर हो चुका है ना तो थोड़ा प्रॉब्लम है। पहले क्या था कि यार पहले वाले मैप में कि घर मतलब अपने ऑफिस आते रहते दिख जाता था, तो ईजी था कि फट से चल लो वहाँ पर और आते टाइम वहाँ से आके हो जाओ। फॉरेस्ट वाले में चलते हैं फटाफट से और इसकी स्पीड टेस्ट करके आते हैं और 0 to 100 कितना टाइम में पहुँच रही है वो भी चेक करके आ रहे हैं। 3, 2, 1 ऑलराइट, 2.7 सेकंड में पहुंचा 0 to 100 और मैक्स स्पीड देख के आ रहा हूँ कि क्या है। रेयर कार से तो कमी होगी वैसे, बट फिर भी इसकी अच्छी खासी है। प्लस पहुंचेगी पता नहीं, आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओ कि 300 प्लस पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, मुझे थोड़ा डाउट है। 289 तक खींच पाए, ऑलराइट जाएगी शायद, मुझे लग रहा है कि 290 प्लस तो चले ही जानी चाहिए। इस बार लगाते हैं जोर थोड़ा सा, 92 गया, 292 बस यही है हो गया। बैक टू टाउन। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं अभी कार मार्केट में, ये वाली गाड़ी तो खैर है नहीं, इसको हम लोग ले नहीं सकते। यहाँ पर आज कोई भी गाड़ी नहीं है, जब भी यहाँ पर गाड़ी होगी ना उससे हम लोग बहुत प्रॉफिट करने वाले, तो उसके लिए पैसे बचा के रखने और ट्राई करना है कि वहाँ से गाड़ी हम लोग बाई कर लें। ठीक है, यहाँ पर एक ट्रक है और एक ही वाली गाड़ी है, कौन सी है पता नहीं। बाकी SUV वगैरह कुछ दिख रही है, क्या कोई एक्सपेंसिव कार है यहाँ पे? ये बिल्कुल मॉडिफाइड करा रखी बंदे ने, कितने की है गाड़ी? $59,000 की। ऑलराइट, पोर्शे दिख रही है मेरे को वापस से, और कुछ ऐसी गाड़ियाँ नहीं है जिसमें हमको ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। ये हम लोग बाई कर सकते हैं, ये कितने की हमको मिल रही है? 265 की। अब अगर हम लोग इसको बार्गेन करते हैं, स्टेटस वगैरह हमको दिखा रहा है क्या? अगर हम लोग इसको बोलते हैं कि 2 लाख का बोलूँ, एक बार 2 लाख का ऑफर दे रहा हूँ, देखता हूँ कि कितना ये बंदा बोलता है। ओके, 2,15,000 का ऑफर दे रहा हूँ, सोच रहा है इसका मतलब कागज़ तैयार कर रहा है। तो गाड़ी हमको मिल चुकी है, बिल्कुल सही है, इसको ऐसे के तैसे मैं बेच दूंगा। वैसे पहले ही सुपर कार ये तो हम लोग ऑलरेडी बाई कर चुके हैं। मेनली आज मेरा गोल है सुपरा बाई करने का, और ऑडी मतलब अपने पास ऑडी R8 और बाकी लैम्बोर्गिनी अपने पास है ही। अगर फरारी अपने को दिखेगी यहाँ पे तो उसको बाई करेंगे, बट क्योंकि अभी तक मेरे को मार्केट में नहीं दिखी है और वहाँ भी मेरे को नहीं दिखी है, तो थोड़ा डाउट है कि यार पता नहीं होगी भी या नहीं भी होगी। फिलहाल इसको हम लोग 1,20,000 में बाई करने का ट्राई करते हैं। 1,20,000 मना कर रहा है, 1,25,000। ऑलराइट, तो नहीं देना इस बंदे को। बाकी गाड़ियाँ कितनी की है यार? ये 43, इतनी सस्ती गाड़ियाँ लेके फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। मैं सही में बता रहा हूँ, मैं ले लेता लेकिन मुझे कोई फ़ायदा होगा ही नहीं। ये तो 59 के अराउंड की कुछ है गाड़ी, और ये कितने की है गाड़ी? 15,000 की। अब यार ऐसे में क्या ही फ़ायदा होने वाला है? एक ही लास्ट गाड़ी, इससे उम्मीद है मेरे को कि ये एटलीस्ट 1.5 लाख तक की होगी। 2,30,000, ठीक है, तो हम लोग इसको बार्गेन करके 2 लाख का बोल सकते हैं। ऑलराइट, तो ये गाड़ी भी हमको मिल चुकी है और ये गाड़ी डैमेज है, तो हम लोग इसको सबसे पहले डालते हैं रिपेयर में। और यहाँ से हम लोग एक और गाड़ी ले चुके हैं, तो 2 गाड़ियाँ हम लोगों ने बाई कर ली। अभी हमारे पास पैसे थोड़े से कम हो चुके हैं, रास्ता कहाँ से, अब हम निकल रहे हैं यहाँ से सीधा। ऑलराइट, तो $1,215 लग रहे हैं इसको रिपेयर करने में। उसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं शायद, मेरे को लग रहा है पेंट का थोड़ा बहुत काम करना है, तो वो मेरे को करना पड़ेगा। बट तब तक हम लोग अपनी दूसरी वाली जो गाड़ी है पोर्शे, और एक और गाड़ी है ना मस्टैंग, 2 गाड़ियाँ अपने पास अभी, इनको बेचते हैं और थोड़ा और पैसे कमाते हैं। क्योंकि देखो पोर्शे मेरा लेने का मन नहीं है यार, मतलब ये सुपर कार है बट उतना नहीं। फरारी हो गया और लैम्बोर्गिनी हो गया और सुपरा, ये 3 गाड़ियाँ ही है जो लेनी है, उसमें से एक अपने पास ऑलरेडी है। और पोर्शे तो मतलब बहुत मतलब आराम से मिल जा रही ना, एक्सपेंसिव वाली लेनी है मेरे को जैसे कि लैम्बोर्गिनी है। सुपरा भी एक्सपेंसिव नहीं होगी बट फरारी होगी, फरारी मिलेगी तो ना यार, फरारी मिले तो अपने को पहले। अभी तक मेरे को इतने दिन हो चुके, मैंने 4 या 5 बार ऑक्शन हाउस अटेंड कर लिया, लेकिन एक भी बार रेयर कार नहीं दिखी मेरे को। है इसमें रेयर कार बट पता नहीं यार कितनी रेयर कार है ये नहीं पता, बट कम है शायद, पहले से कम है। बट निसान GTR वगैरह तो है ही, तो देखते हैं कि कब तक मिलती है हमको। फिलहाल इसमें सब कुछ एकदम सही है, इसको ऐसे ही मैं बेचने वाला हूँ। क्योंकि पता क्या है,
बहुत ज्यादा कोई प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता नहीं है अगर आप वो कर रहे हो, बस डैमेज नहीं होनी चाहिए। पेंट वेंट का काम अगर कराना है तो करा लो, बाकी उसके अलावा अगर आप मॉडिफाई कराओ ना कराओ कोई ज्यादा फायदा नहीं होता। मॉडिफिकेशन में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है सिर्फ इसका रेस किट वगैरह डाल रखा है और दो तीन गिनी चुनी चीजें हैं, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो ये हमारा लग चुका है, वहां पर वो वाली गाड़ी भी तैयार हो चुकी है, ऑफिस अपना ओपन कर लेते हैं और गाड़ियों को लगा लेते हैं सेल पे। तो जैसे कि ये वाली गाड़ी है इसमें पेंट 78% के अराउंड निकल रखा है, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो पेंट करा लेता हूँ इसमें। और ये गाड़ी बहुत ज्यादा नीचे लग रही है, ग्राउंड क्लियरेंस यार ठीक ठाक तो है, पता नहीं क्यों लग रही है, बहुत बहुत लग रही है, तो टायर वायर लग रहे हैं, कुछ तो हो रहा है। तो इसमें मैं ऐसा ही कुछ कलर देखो, वैसा कलर ना हमसे हो नहीं पाता। मैं रेड कलर की भी अच्छी लग रही है, बट थोड़ा सा ऐसा डार्कर साइड में, बेहतरीन पेंट हो चुका है। हम लोग चाहें तो ट्यून वगैरह कर सकते हैं, एक बार देखता हूँ, क्योंकि चलने में ना थोड़ा सा दिक्कत कर रही है। कस्टमर एक ऑफिस में आ चुका है, अब प्रॉब्लम तो यही है ना कि कस्टमर आ रखा है। चलो एक काम करते हैं, हम लोग होके आते हैं, इसको करा के ले आते हैं, तब तक कस्टमर थोड़ा सा इंतजार तो कर ही सकते हैं। अब यहाँ पर लगती है गाड़ी, लेकिन साइड से निकाला तो उतना कुछ हुआ नहीं नुकसान। सीधा चल रहे हैं हम लोग ट्यूनिंग वाली जगह पे और इसको ट्यून करा के लेके आते हैं। ट्यून भी कहा करा ना हमको, इसको थोड़ा सा रेस किट चलो लगा लूँगा, आ ही रखा हो ना तो रेस किट लगा लेंगे हम लोग इसमें। अबे लो फिर से ठोक दी मैंने इसको, हाँ क्यों ऐसी चीज़ें होती है, मैं बहुत फास्ट चलाता हूँ और बिल्कुल ऐसे स्पीड से। तो टर्बो डाल लेते हैं हम लोग इसमें, नॉज डाल लेते हैं हम लोग इसमें और रेस किट डाल लेते हैं। उसके बाद मॉडिफिकेशन में जाके हम लोग इसमें स्पॉइलर, ये अच्छे लग रहे हैं, कलर तो मैच कराने की कोशिश मैं तो करूँगा, बट होगा नहीं होगा ये पता नहीं, थिंक पता नहीं यार हो रहा है, चलो ठीक है जैसा भी है। चले गए, दो कस्टमर आ चुके हैं ऑफिस में और मेरा काम है कि उनको गाड़ियां बेचना, क्योंकि आज हमको बेचनी है गाड़ियां। कहाँ पहुँच गए हम लोग? ऑलराइट, तो हम पहुँच गए अभी कार मार्केट में। यहाँ पर भी कुछ खास गाड़ियां दिख नहीं रही, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल अच्छी गाड़ियां नहीं यार। ऐसी गाड़ियां बेचोगे तो मेरा क्यों लेने का मन करेगा, बिल्कुल करेगा ही नहीं मन लेने का। हम लोग कहाँ आ चुके हैं, मैं कभी कभी ऐसा भटक जाता हूँ ना इसमें, मैं हाईवे पर आ चुके हम लोग। नहीं 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 नहीं, अरे नहीं यहाँ पर नहीं जाना था यार। ऑलराइट, तो हम लोग आ चुके हैं अपने ऑफिस में और यहाँ पर बहुत सारे लोग आ रखे हैं जिनको गाड़ी खरीदनी है, तो फटाफट से हम लोग ट्राई करते हैं। जो लोग पहले से आ रखे हैं उनको ट्राई करते हैं पहले। तो मस्टैंग बनता कूड़े के डब्बे में खड़ा हो गया है, कहीं और जगह नहीं मिल रही इसको। 96 बोल रहा है, $1 कम करके मैंने ये है, एक सेकेंड 96 बोल रहा था मैं इसको, हाँ ज़्यादा ही डाल दिया था मैंने। तो ये गाड़ी हमारी बिक चुकी है, अब बारी आती है दूसरी वाली गाड़ी को बेचने को। इसके कस्टमर नाराज होकर जाने भी लगे हैं, 5 लाख में तो नहीं बिकेगी, 4372। एक सेकेंड उससे बात कर लो जरा पहले, ये क्या ऑफर दे रही है मेरे को लड़की, 450 तक आराम से जा रही है गाड़ी। नहीं, फिर वो बंदा ज़्यादा बेटर था। अब ये इससे पहले निकले मैं इससे बात करके इसको बोल देता हूँ कि 450, सीधे ही 450 बोल रहा हूँ मैं इसको, 450 नहीं 430 देगा ये, क्योंकि उसने ऑलरेडी कम दे रखा है ना। चलो दो गाड़ियाँ बिक चुकी है, ज़्यादा ना देखो इतना ज़्यादा मैं वेट नहीं कर रहा हूँ अच्छे कस्टमर्स के आने का, जो मिल रहा है बेचो उसको, मतलब ठीक ठाक प्रॉफिट होना चाहिए, बस बेच डालो। अब मुझे नहीं पता कि यार कब मेरे को सुपर कार्स मिलेंगी, बट पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि यार ऑडी तो दिख जाती कार मार्केट में, बट दूसरी वाली कम दिखती थोड़ा। 2 लाख के हम लोगों ने बाई कर रखे, हम लोग इसको 4,50,000 का भेज देते हैं और अब टाइम हो चुका है घर जाने का, तो आज सो जाते हैं, कल सुबह यहीं पर मिलता हूँ आपको। 1,31,000 रुपये बिल के पे कर रहा हूँ यार मैं, इतने ज़्यादा पैसे। और उसके अलावा मुझे लगा था कि क्या पता आज मार्केट वगैरह या फिर वो रेयर कार, मतलब रेयर कार ने जो नई गाड़ियाँ मिलती लग्जरी वाली वो ओपन होगा, बट कुछ भी नहीं है। तो अभी एक ही ऑप्शन बचता है कि ऑफिस ओपन ही अपना, गाड़ी सेल पर लगाई रखी है तो कस्टमर आएंगे तो इसको बेचते हैं और फिर नेवर रूट जाना पड़ेगा यार, एक ही ऑप्शन बच रहा है नेवर रूट जाने का। या तो एक काम करूँगा, मैं पहले ही से ही सो जाऊँगा थोड़ा सा, है ना, ताकि कस्टमर अगले दिन हमको कुछ ना कुछ मिल जाए, क्योंकि नेवर रूट में ना कुछ खास गाड़ियाँ हैं नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा था पता नहीं वहाँ जाने का बिल्कुल भी। स्किल्स कितने हैं अपने पास, स्किल पॉइंट अभी चाहिए अपने को थोड़े और ज़्यादा। आगे से थोड़ा डैमेज है ये गाड़ी, हो चुकी थी मुझसे बट कोई बात नहीं। 348 बोल रहा है बंदा, ऑलरेडी अच्छा रेट दे रहा है, तो मैं इसको 420 बोलता हूँ। ऑलराइट, तो 2 लाख की खरीदी थी, 4 लाख में मैंने बेच दी उस बंदे को गाड़ी और अब हम लोग चलते हैं नेवर रूट थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ पर मेरे को वापस से हमारे पास 1 मिलियन हो चुके हैं। अब यहाँ पर मेरे को थोड़ी बहुत गाड़ियाँ देखनी है, मतलब यार देखो देख के ही पता चल रहा है कि कौन गाड़ी किस रेंज में मिल सकती है। ऐसा लग रहा है कि इसमें गाड़ियाँ हैं ही नहीं इनके पास अच्छी गाड़ियाँ। देखो सुपरा वगैरह भी यहाँ पर रखते हैं ये कई बार, बट अभी तो नहीं दिख रही मुझे, तो हम लोग अभी दूसरे वाले नेबर रोड जाने का ट्राई करते हैं। यहाँ पर रखते हैं लोग गाड़ियाँ इस वाले में,
नहीं यहाँ पर तो नहीं रखता यार। आज मुझे लग रहा है कि लोगों ने ज्यादा रखी नहीं है गाड़ियाँ सेल करने को, क्योंकि दिख ही नहीं रहे मेरे को कुछ भी लोग। तो गाइस मैंने यहाँ पर देख लिया और कोई भी अच्छी गाड़ी नहीं मिल रही। अब एक काम हम लोग करते हैं, यार ये लो उड़ा के लेके गया मैं उसको, गाड़ी भी मेरी डैमेज हुई, उसकी भी हुई होगी। बट ना गाड़ी अगर स्पीड में है तो टर्न उतना अच्छे से हो नहीं पा रही। देखो देखो, मतलब मुझे पता है स्पीड ज़्यादा है बट अंडर स्टेयर हो रही है बहुत ज़्यादा। काश ये सब चीज़ें भी ट्यून करने का ऑप्शन होता बट नहीं है हमारे पास। मैं पहली बार दिन के टाइम पर सोने आ रहा हूँ, वरना मैं हमेशा रात को ही आता हूँ सोने। पहले मैं क्या करता था कि मैं जिस दिन भी कुछ मार्केट वगैरह ओपन नहीं, मैं दिन में ही सो जाता था। अब ये देखो 12 बजे से पहले नहीं सो सकते ना। खैर एक मिनट बच रहा है, कल मिलते हैं, देखते हैं कि कल क्या कुछ मार्केट वगैरह ओपन है फिर नहीं है, देखते हैं क्या होता है। तो गाइस यहाँ पर मैं अभी आ रखा हूँ कार मार्केट, और आज हमको यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ अभी, सबसे पहले दो पोर्शे ही अपने को देखने को मिल रही है। उसके अलावा यहाँ पे एक BMW M3 है और बाकी कुछ और कार्स हैं, बीटल पता नहीं क्या चीज़ है। बट मेरे को दूर सही ना, वहाँ पर बस से उतरा और मेरे को सबसे पहले सुप्रा दिख गई। तो आज मेरे को लेनी भी थी, और आज मेरे को पहली बार जब से मैं गेम खेल रहा हूँ ये वाला नया मैप, आज मेरे को ये गाड़ी दिख रही। मुझे रेट भी नहीं पता कि कितने की मिलेगी। इसके रेट इन्होंने बढ़ाया नहीं ज़्यादा, $98,000 की गाड़ी मिल रही मेरे को। पहले भी हम लोग इसको ज़्यादा महंगा नहीं लेते थे, इसी रेट में आ जाती थी, अभी भी इतना ही है मुझे लगा था कि। बट ये गाड़ी ना बहुत अच्छी लगती है मेरे को दिखने की, और वैसे भी लेजेंडरी कार तो है, ये सबको पता है। तो हम लोग इसको लेते हैं 75। मेरे को कम चांस लग रहा है कि 75 में मिलेगी, तो मैं इसको बढ़ा के 83 बोल रहा हूँ। ऑल राइट, तो अपनी आज की पहली सुपरकार मिल चुकी है, और इसको हम लोग सबसे पहले लेके चलेंगे पेंट कराने के लिए। एक काम, मैं तो बस से आ रखा हूँ ना, ठीक है गाइस। हाँ पैसे कमाने के लिए तो हम लोग और भी गाड़ियाँ बाई कर सकते हैं ना, मतलब अभी तो हमारे पैसे खर्च ही नहीं हुए कुछ भी, तो हम लोग ये पोर्शे दोनों बाई कर लेता हूँ, और उसके बाद हम लोग सीधे मिलते हैं पेंट वाली शॉप पर। 276 की बोल रहा है बंदा। ऑल राइट, तो एक हम लोगों ने गाड़ी ये बाई कर ली, इसको सीधा अपने ऑफिस में टो करता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर एक और पोर्शे दिख रही है मेरे को, ये वाली। चले गैस, अब हम लोग पहली बार सुप्रा चलाने वाले हैं, और इसका इंटीरियर देख लो एक बार, इंटीरियर बहुत प्यारा है। हम लोग ऐसे इसमें देख सकते हैं ना, ठीक है। ये देखो क्या बेहतरीन इंटीरियर है, ऑलरेडी अच्छी सीट्स वगैरह लग रखी हैं, स्टेरिंग व्हील भी ऑलरेडी मेरे को अच्छा लगा, मतलब जो हमारे पास वहाँ पर ऑप्शन होते हैं ना, मस्त। इसको हम लोग चलाते हैं थोड़ा सा। और यहाँ पर कौन सी गाड़ी है आज पता नहीं यार, ये बार बार ये सब क्यों, अच्छा वही वाली गाड़ी है। तो यहाँ पर अभी हम लोग चलते हैं सीधा, पहले इसको पेंट पेंट कराते हैं, और उसके बाद पेंट आई थिंक यहीं पे अगले कॉर्नर पे है। मुझे लग रहा है कि मैं लैम्बोर्गिनी से ज़्यादा ये चलाया करूँगा, मेरे को ये चलाने में बहुत मज़ा आता है। लैम्बोर्गिनी ना काफ़ी ज़्यादा ओल्ड मॉडल है वो, इसलिए मतलब इन्होंने थोड़े नए वाले लैम्बोर्गिनी ऐड करने चाहिए थे, कुछ नई कार्स होनी चाहिए थी बट नहीं है। तो हम लोग इसमें कौन सा पेंट कराएं, फैक्ट्री कलर इसका ये वाला है, तो सबसे पहले तो हम लोग पॉलिश कराएंगे इसमें ज़बरदस्त वाला और मेटालिक। बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं यार, क्या करूं लेकिन करना तो है ना गाइस। ये बहुत अच्छा लग रहा है कलर, बट इस पर ये येलो कलर भी जाएगा, इस पर सारे कलर जा रहे हैं यार। मैं सोच रहा हूँ कि इसको येलो ये वाला कर दो, थोड़ा मस्टर्ड सा कलर है, ये कर रहा हूँ मैं। अब हमको ऐसा ही मस्टर्ड कलर वाला एक इसका स्पॉइलर, देखो इससे पहले सुप्रा में मैंने कभी स्पॉइलर शायद नहीं लगाया हुआ इस गेम में, तो आज मैं पहली बार लगाने वाला हूँ स्पॉइलर। रेस किट पता नहीं है भी या नहीं भी, पता नहीं चल पा रहा, वो मेरे को लग रहा है ड्रिफ्ट किट है इसमें, ड्रिफ्ट किट लगा हुआ है इसमें, या फिर इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं होगा, मतलब ये देखो हाँ ड्रिफ्ट किट है इसमें। अरे ये तो ड्रिफ्ट के लिए ये गेम सही नहीं है, यहाँ पर ड्रिफ्ट नहीं हो पाता यार। क्या पटाखे चल रहे हैं, कितना सही लग रहा है यार। कीबोर्ड से भी मुझे ड्रिफ्टिंग सीखनी है मुझे, मतलब मैंने आप लोगों ने देखी होगी मेरी जर्नी, मैंने व्हील से तो सीख ली थी, मैं अच्छे से कर लेता हूँ, लेकिन यहाँ पर ना कीबोर्ड से मुझे लगता है कि और मुश्किल होता है। व्हील में है कि तुमको इतना टर्न करना इतना ही करो, कीबोर्ड में है कि दबा दो बटन तो पूरा ही टर्न होगा, तो थोड़ा ना ज़्यादा मुश्किल है। चलिए अब हम लोग सबसे पहले किट देखते हैं इसमें कौन सा लगा हुआ है। ABS TCS टर्बो सब लगा हुआ है, नॉज लगा हुआ है, ड्रिफ्ट किट लगा हुआ था। अब हम लोग 385 का रेस किट डालते हैं इसमें, और हम लोग चलते हैं बैक। कार सेटिंग में ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है क्या, एक सेकेंड देखो जरा। थोड़े से मैं सोच रहा हूँ कि व्हील पोजिशन को थोड़ा मैं बाहर को लेकर आ जाता हूँ, है ना, और बाकी ये मैं थोड़ा सा डाउन करूँ क्या, बैक वाला भी थोड़ा डाउन, फ्रंट वाला भी बाई करना पड़ेगा। एंगल यार ये बहुत अजीब लगेगा बट थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा दे रहा हूँ एंगल, ठीक है। मुझे वैसे पता नहीं कि इससे होगा क्या,
अब व्हील्स में देखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग रिम चेंज करते हैं। रिम मेरे को ऐसा चाहिए कि जो दिखने में बहुत ही खतरनाक सा लगे। ये भी अच्छा लग रहा है, बट ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, और कौन कौन से अपने पास, ये तो नहीं बहुत पुराना सा लग रहा है, ये भी सही सा लग रहा है। 13,000 के रिम्स हैं यार, ये लगा ली मैंने। कलर भी कर सकते हैं हम लोग, ओ कलर भी हमारे पास। एक सेकंड गाइस, हम लोग कलर कर सकते हैं। तो कलर तो मैं पता नहीं मैं इससे मैच करा पाऊँगा नहीं करा पाऊँगा, बट इसके साथ साथ हम लोग साइज़ भी बड़ा कर सकते हैं। साइज़ तो ठीक है, आई होप कि ये कैलिबर अपने पास मतलब जो भी था रिम वगैरह आ चुका है। अब डिस्क तो खैर क्या ही करना, बट कर लेते हैं भाई। टायर मेरे को चेंज करने हैं, मेरे को टायर लगाने, ये भी अच्छा लग रहा है, ये तो खतरनाक ही लग रहा है बिल्कुल। बट मैं ये वाला कुछ ऐसा लगाने का सोच रहा हूँ, या फिर ये वाला, ये बेस्ट है। चलिए ये वाला काम भी हो चुका है, अब हम लोग चलते हैं, किट्स कर चुके हैं हम लोग चलते हैं मॉडिफिकेशंस में। तो हम लोग सबसे पहले एग्जॉस्ट तो चेंज करने की ज़रूरत मुझे लग रहा है कि नहीं है, बट कर लेते हैं। दिल वाला लगा लो क्या गाइस, मेरे को लग रहा है कि ये सही लगेगा। हाँ ये वाला 13,000, ये पहली बार मैं ये वाला लगा रहा हूँ, देखते हैं कि क्या इसके साउंड है। साउंड ना आनी चाहिए, मतलब साउंड पता नहीं चलती, मतलब रेव करने का ऑप्शन आना चाहिए ना, ताकि हमको पता चल सके कि क्या साउंड आ रही है। ये लगा लूँ क्या, और हमारे पास बहुत सारे हैं, ये तो देख रहे हो, ये देखो मैं लगा रहा हूँ ये 16,250 का कलर। यार इससे मैच ना कराना थोड़ा मुश्किल ही हो रहा है। अब मैं किस चीज़ से मैच कराऊँ इसका स्पॉइलर, यार गाइस मेरे को समझ नहीं आ रहा। वाइट कर दूँ क्या, आई थिंक मैच कर गया, थोड़ा बहुत तो मैच कर गया होगा। चलो यहाँ पर तो हम लोगों ने सब कुछ कर लिया, स्पॉइलर और क्या है हमारे पास, सीट्स वगैरह, स्टेयरिंग तो इससे बेस्ट है नहीं, स्टेयरिंग सबसे बेस्ट है। नहीं, सीट वगैरह भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलो तो अपनी पहली सुपर कार आ चुके, अब मेरे को सिर्फ एक ही कार चाहिए, वो है ऑडी R8। इसको थोड़ा चला के देखें, स्पीड टेस्ट भी करके आते हैं। अरे बहुत फास्ट है यार ये, 2.7 उसका था, इसका चेक करके आ रहे कि इसका क्या है, क्योंकि ये बहुत फास्ट है, बस कंट्रोल करनी मेरे को, डैमेज नहीं करना इसको। अरे बाप रे, ये तो हो ही नहीं पाता यार, डैमेज किया भी ना पता नहीं क्यों। कोई बात नहीं, चलते हैं सीधा हार्बर में और स्पीड टेस्ट करके आते हैं इसका। चलो 3, और ये देखो इसको जो टेल लाइट्स है ना उसमें जो ब्लू टिंट वाला कुछ तो है, वो बहुत अच्छा लग रहा है। 3, 2, 1 गो। 2.9 ऑलराइट, ठीक है उसका 2.7 था, और मैक्सिमम उसकी 292 थी इसकी स्पीड चेक करते हैं। ये मेरे को लग रहा है कि ये 300 पार तो पहले ही जा चुका है, 350 जाएगा पता नहीं, 320-325 तक जाएगा ये मेरा मानना है, देखते कि क्या होता है। अरे बाप रे, गोली की स्पीड से जा रहा है यार ये, 318 पहुंच चुका है। चलो देखते हैं, 324 पहुंचा है। एक और बार ट्राई करते हैं, देखते हैं कि इस बार कितना पहुंचता है। 325 पहुंचने की उम्मीद है, लेकिन अब जगह ही नहीं है बच्ची यार। शेट। अब एक काम करते हैं, इसको ना भगाते हैं पहले, ठीक है। जैसे ये 200 पार पहुंचेगा तब जाके हम लोग नौ जबाना स्टार्ट करेंगे, 200 मतलब 300 के पार पहुंचेगा तब। खुद से पहुंचने देते हैं कि कितना पहुंच रहा है पहले। 310 पहुंचा, 11, 12, 13, 14, 15, 15, नहीं यार मेरे को लग रहा है 324 ही जाएगा ये। ही गए इस बार। चलिए बैक टू टाउन करते हैं। तो 324 की स्पीड से गए, अभी तक की सबसे फास्ट सुपर कार है, और जबकि उतने महंगे रेट नहीं है इसके। अब मेरे को टेस्ट करना है ऑडी R8 का, और वो मेरे को ढूंढनी है, उसको ढूंढने में लगेगा टाइम। मार्केट में मिल जाती है, बट अगर हमको नहीं मिल गई तो बहुत अच्छी बात है यार, नई गाड़ी लेने का एक अलग ही मतलब वो होता है, क्योंकि उसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा है। देखते हैं कि कितने की मिलती है, कब मिलती है, क्योंकि अभी तो फिलहाल कोई चांस लग नहीं रहा। तो गाइस आज वो वाला दिन आ चुका है जहाँ पर आज लग्जरी वाली जो शोरूम है ना वो ओपन है, प्लस उसके साथ में आज 2 बजे ऑक्शन भी है। तो आज के लिए हमको चाहिए बहुत सारा पैसा। अब बहुत सारा पैसा आएगा कैसा, जब हमारी ये दो गाड़ियाँ बिक जाएंगी, दोनों की दोनों गाड़ियाँ मेरे को बेचनी है। पहला कस्टमर आ चुका है, देखते हैं कि कितना ऑफर कर रहा है, क्या ऑफर कर रहा है। 450 से ऊपर ही मेरे को दोनों गाड़ियाँ बेचने का ट्राई करना है, 450 हमारा मिनिमम रेट रहेगा, ठीक है। देखते हैं कि क्या रेट ये बंदा देता है, इसको डाल देते कचरे को। यार कभी कभी ना माउस, मेरा माउस भी ख़राब हो रहा है यार, ये माउस इतनी जल्दी जल्दी ख़राब होते हैं ना। इधर डालो इसको, अब पता करते हैं इस बंदे से कि क्या ये रेट देने वाला है। मुझे लग रहा है कि इसका 410,000 दे रहा है, 485 का ऑफर दे रहा हूँ, ऑलरेडी मेरे को अच्छा रेट लग रहा है, और ये शायद ओके 485 में नहीं कर रहा, 475
460 प्लस में तो ले ही लेगा ये बंदा, ले लिया। 475 की हमारी पहली गाड़ी बिक चुकी है। और अरे वो ले लो ना यार, सेम ही तो गाड़ी है, पेंट करा लेना तुम। नहीं लेनी लेकिन इनको। चलो ये वाली बिग सेल, पहले फॉर सेल लिखा था शायद, पता नहीं अब बिग सेल लिखा रहा है। देखते हैं क्या होता है। इस बंदे के कपड़े देखो कैसे फट रहे हैं, हर जगह से फट रहे हैं, देख रहे हो क्या क्या हालत है इस बंदे के। ये बंदा ऐसा नहीं लग रहा है, एंड्रू टेट है। यार बिक जाओ, मेरे को जल्दी जल्दी बहुत सारे काम करने हैं, मेरे को एक बार वहाँ चेक करके भी आना है कि क्या गाड़ियाँ हैं वहाँ पे। बस ये वाली गाड़ी बिक जाए ना, हम तो पैदल ही जा सकते हैं वहाँ पे, इतना पास में है। हाँ आज नई गाड़ियाँ तो है वहाँ पे, अब कौन कौन सी है पता नहीं। 900,000 में कोई गाड़ी आएगी, एक फियात अबात है और उसके अलावा पोर्शे है और ये एक ट्रक है, ये तो शायद बहुत सस्ता है, 180,000 का कर दिया ये भी, ठीक है। और उसके बाद ये वाली गाड़ी जो मैं पहले ले चुका हूँ पोर्शे, हम लोग वहाँ से कितने की ले रहे हैं। एक बार मेरे को यहाँ से भी बाई करके ट्राई करना है पोर्शे को ना, तो मैं बाई कर रहा हूँ ये वाला कलर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अभी और तो गाड़ियाँ हैं नहीं, तो हम लोग इनको ही बाई कर लेते हैं। और दूसरी गाड़ी यहाँ पर, एक सेकंड, ये तो नहीं ले सकते ना ये वाली गाड़ी, नहीं ये तो हम वही वही वाली गाड़ी है, और हम लोग एक बाई कर रहे हैं, कहाँ चला गया वो, ये वाला 400,000 की गाड़ी है, तो हम लोग कौन से कलर में इसको बाई करें। कलर थोड़े कम ऑप्शंस हैं, तो हम लोग कवरिंग भी है इसमें, ओ बाई कर ली, बाई कर ली। मेरे को उसमें भी कवरिंग चेक करनी चाहिए थी यार, पोर्शे में, इसमें भी तो है ही, इसमें कैसी कवरिंग है। ऑलराइट, इसमें भी मेरे को सब में कवरिंग चेक करनी चाहिए, इसमें नहीं है। 160,000 की है गाड़ी, ये नहीं ले सकते हम लोग। चलो ठीक है, बहुत सारी गाड़ियाँ ले ली, अब मेरे को जो लास्ट गाड़ी बच रही है ना वो वही चाहिए यार। फिलहाल इनको हम लोग टो कराते हैं, इसको भी टो कराते हैं। कितनी सही लग रही फियाट अपनी यार, फियाट अबाद, क्या सही गाड़ी लगती है मेरे को ये, इसमें बहुत प्रॉफिट मिलता है हमको। कहाँ है अपना ऑफिस, पता नहीं पामा टाउन है या पाल्मा टाउन है, मुझे तो लग रहा है कि एल साइलेंट होगा, पता नहीं, आप लोग जरा चेक करो आपका एल साइलेंट तो नहीं है कहीं। अगर नहीं है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाओ, प्रूफ करो मेरे को कि साइलेंट नहीं है। 515,346, हाँ अच्छा रेट दे रहा है यार, इसको मैं बोलता हूँ 5,346 अगर मेरे को दे रहा है तो 5,10,000 तो दे ही देगा। अरे नहीं सॉरी, एक सेकंड, 346 दे रहा है ना, तो 4,50,000, मैं क्या अलग ही समझ रहा हूँ, 4,50,000 में नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, दूसरे कस्टमर्स हैं अपने पास, इनको बेचने का ट्राई करते हैं हम लोग। मेरे को एक बार ये देखना है कि जो नई वाली हम लोग 365, अच्छा रेट है वैसे, ये तो चली गई 365। इस बंदे से बात करते हैं वापस से, 365 तो 4,50 में दे देना चाहिए यार। चलो अभी तो नहीं मिल रहे इसके अच्छे ग्राहक। ये गाड़ी देखो आप यार, क्या सही लग रहा है इसमें पेंट जो काम करा हुआ है ना, ये देखो ड्रिफ्ट वाली कार लग रही प्रॉपर, ये बहुत सही लग रही। उसके अलावा ये वाला जो, ये तो खैर अपनी है ही, ये मेरे को सेल करनी है वाली, क्योंकि अब अपने पास पैसे नहीं है। इसका मुझे देखना है कि इसका रेट क्या लगाते हैं हम लोग, इसका तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही अच्छा मिलने वाला है हमको, तो 930 है इसको हम लोग बेच, ये तो 515,000 की मैंने बेचने लगा रखी है। नहीं ये वाली नहीं है, और कहाँ है गाड़ियाँ, इसको हम लोग बेचते हैं 650, नहीं नहीं 7,00,000 का, 7,00,000 का रेट डाल रखा है मैंने। और इसको थोड़ा मेरे को चला के देखना है कि कैसी चल रही है, कोई कस्टमर आया क्या अभी, नहीं 2 बजे, ओ 2 बजे मैं जा रहा हूँ वहाँ पे। इसका ये वाला व्यू कमाल का आएगा ना, स्टेरिंग, मैं इतना छोटा हूँ क्या, स्टेरिंग व्हील आगे लग जा रहा है यार, कुछ नहीं दिख रहा मेरे को। तो गाइज अभी हम लोग चल रहे हैं ऑक्शन में, मेरे पास पैसे तो नहीं है यार, मैं कैसे करूँगा काम, कस्टमर आ रखा है, एक बार जाऊँ क्या मैं, एक काम करता हूँ यहाँ से ना, इससे मैं ले लेता हूँ टिकट ज्वाइन ऑक्शन, और उसके बाद मैं सीधे आऊँगा क्योंकि मेरे को पैसे चाहिए। और आप लोगों ने मेरे को बताया था कि बीच वाला जो ये है ये जाता है वहाँ पे, ऑफिस में चलते हैं सीधे, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे बस से आ सकते हैं, थोड़ा टाइम लग जाता है उसमें भी, बट पता नहीं। अब मैं सोच रहा हूँ कि जितना देगा, क्योंकि मेरे को ना एक गाड़ी उठानी है वहाँ से ऑक्शन हाउस से, हो सकता है कि हमको अपनी वाली गाड़ी के वो मिल जाए वहाँ पे ग्राहक, मतलब गाड़ी मिल जाए हमको लैम्बोर्गिनी, ऑडी R8 सॉरी 433, नहीं 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 बहुत कम दे रहे हो तुम लोग। नहीं यार पता नहीं, मेरे को लग रहा है कि ये लोग कम रेट दे रहे हैं मेरे को बहुत, बट मैं सोच रहा हूँ कि ये लड़की से मैं कर लूँ क्या डील, 470 कम रेट में बेच रहा हूँ, लेकिन मेरे को अभी जल्दी चाहिए, 545 बोल रहा हूँ यार। नहीं यार फिर तो हमको फिर वहाँ जाके फ़ायदा है नहीं, मैं एक काम करता हूँ फिर भी होके आ रहा हूँ देखने के लिए कि वहाँ पर कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं, कहीं रेयर कार तो नहीं, अगर होगी भी तो हम लोग ले तो सकते नहीं यार, क्या ही करेंगे, पैसे नहीं है यार, गलत टाइम पे पैसे क्यों नहीं है अपने पास। आ चुकी है गाड़ियाँ सारी, ओके तो कुछ ऐसा खास नहीं था यहाँ पर भी है ना। देखो पोर्शे बच रही है, अभी हम लोग पोर्शे ले तो नहीं पाएंगे, ले सकते हैं हम लोग सुप्रा, सॉरी सुप्रा,
सुप्रा ले सकते हैं हम लोग यहाँ से एक, चलो एटलीस्ट एक गाड़ी मिली और वो भी अपनी पसंदीदा, तो नुकसान कुछ नहीं हुआ। अच्छा हुआ जल्दबाजी में बेच के नहीं आया मैं उसको 5:45 में। तो अपनी एक गाड़ी हो चुकी है, अपने को एक्सपी मिल चुकी है और अब हम लोग चल रहे हैं यहाँ से। ये कुछ खास चल नहीं रहा यार, मज़ा नहीं आया, इसको मैं बेचूँगा। चलो इसको लेके हम लोग चल रहे हैं सीधा अपने ऑफिस में। तो बहुत सारे कस्टमर आ रखे हैं गाइस, अभी हमको एक एक करके सबको गाड़ी बेचनी है। तो पहले इस बंदे से बात करते हैं क्या क्या रेट दे रहा है मेरे को। 5,15,000 बोला है, 4,50 से ऊपर हम लोग दे देंगे तो 4,450। एक अच्छे ग्राहक नहीं आ रखे हैं आज, एक भी नहीं, मेरे को ढंग के कोई मिल ही नहीं रहे। 4,00,000 नहीं यार, 4,00,000 से 5,00,000 पहुँच जाएंगे। ये तो जा ही रहा बंदा, ये बंदा इससे बात करते हैं। कुछ लोग इन्होंने बड़े लंबे बना रखे हैं, कुछ बड़े छोटे छोटे लोग हैं। नहीं यार, तो 4,00,000 तो ये अच्छा रेट दे रही थी मेरे को। चलो एक काम करते हैं, अभी कोई अच्छा कस्टमर नहीं है, हम लोग ना इस वाली गाड़ी को भी लगा लेते हैं। देखो मैं कहाँ हूँ इसमें यार, देखो मैं कितना छोटा हूँ, मेरे को ऐसे ही लगाना पड़ेगा और ऐसे ही इसको सेल पर डालना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि और ऑप्शन है नहीं कहीं पर इसको लगाने का। 1,80,000 ना, हम लोग इसको 470 का कर देते हैं। यहाँ पे एक और बंदा आ रखा है, देखते हैं अभी पता नहीं क्यों अच्छे रेट नहीं मिल रहा मेरे को। 4,50,000 से भी रेट गिराने पड़ेंगे, 345 बोल रहा है, बहुत कम रेट है यार ये तो। अभी तक का सबसे बेस्ट रेट ये बंदा दे रहा है मेरे को, 4,50,000 का रेट दे रहा हूँ मैं इसको। देखते हैं कि लेता है या नहीं लेता है। नहीं, 4,45,000 और उसके बाद इससे भी कम मैं रेट करने वाला हूँ। इतने में तो शायद बिग, ये लास्ट ऑफर है यार, इतना कम रेट दे रहा हूँ मैं। पता नहीं क्यों नहीं ले रहे हैं ये लोग, कुछ ज़्यादा ही कम कर दिया क्या मैंने रेट, अब तो बार्गेन भी नहीं कर सकते। एक और लास्ट कस्टमर है, अगर इसने नहीं लिया तो फिर हमको और रेट कम करने पड़ेंगे। अब तो मैंने बहुत कम रेट कर दिए। हाँ ये भी इनको नहीं लग रहा है, चलो ठीक है अभी मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ। ये एक गाड़ी है, इसके लिए चेक कर लेते हैं कि क्या रेट दे रहा है बंदा, क्योंकि ये तो हम लोग जल्दी निकाल सकते। 394 दे रहा है, ऑल राइट अच्छे रेट दे रहा है मेरे को, तो हम लोग इसको 465 का ऑफ़र दे सकते हैं, बल्कि मैंने कम का ही ऑफ़र दे दिया इसको ना। नहीं यार एक सेकेंड, 450, चलो 4,50,000 में हमारी एक गाड़ी तो बिकी कम से कम। अब कल देखते हैं कि कल मार्केट ओपन होगी तो हमको उम्मीद है कि यार वहाँ पर हमको ऑडी रेट मिल जाए, क्योंकि लास्ट गाड़ी वही बची, अब मुझे बस वो ढूंढनी है और उससे पहले पैसे अपने पास इकट्ठे करके रखने जो कि इन गाड़ियों को सेल करके आने वाले हैं। ओह तो यहाँ पे हमको ऑडी रेट मिल रही है, ठीक है 18,00,000 की। लैम्बोर्गिनी भी है यहाँ पे, और यहाँ पे एक और गाड़ी भी दिख रही थी, सुप्रा भी दिख रही है, मतलब आज तो सारी गाड़ियाँ हैं। और ये गाड़ी देखो क्या बंदा मॉडिफाई करके लेके आ रखा है। तो अभी एक काम करते हैं, हम लोग चलते हैं सीधा यहाँ से, कहाँ है बस स्टेशन, सीधे अपने ऑफिस में चलते हैं। बस स्टेशन से भी नहीं जाना, पैदल ही चल रहे हैं। कस्टमर्स भी आ रखे हैं, 18,00,000 हमको चाहिए कम से कम। वो बंदा मुझे लग रहा है कि 15,00,000 के अराउंड, 15 नहीं यार 16 तक दे देगा। तो हमको $16,00,000 चाहिए, मतलब 16,00,000, हाँ $16,00,000 चाहिए अपने को यार। देखते पहले इस वाली पोर्श के, देखते कि क्या रेट मिल रहे हैं हमको। 7,00,000 बोल रखा है, 5,359, 5,35,000, नहीं अभी पता नहीं अच्छे रेट नहीं मिल रहे बिल्कुल भी। 4,26,000 की मैं गाड़ी बेच रहा हूँ, क्योंकि इसके रेट ना पता नहीं अच्छे नहीं मिल रहे। 4,15,000, मुझे याद नहीं कि मैं हम लोग कितने में बेच रहे थे इस गाड़ी को। चलो बिक चुकी है, बड़े मुश्किल से मतलब बिकने का ऐसा हो रहा था, पता नहीं अभी बिल्कुल भी अच्छे कस्टमर्स नहीं आ रहे। अब हमारे पास हो चुके इतना ही हमको और चाहिए अमाउंट, 136, तो बार्गेन करके क्या 185 कर लेंगे, बेच दूंगा मैं इसको। नहीं इस बंदे से ट्राई करता हूँ मैं यार, ये दो एक के उसमें क्यों घुस गए, ये नहीं ये वाला बंदा, इसी से बात करने का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर बहुत सारे कस्टमर्स आ रखे हैं हमारी दूसरी वाली पोर्शे के, और ये तो 5,00,000 के ऊपर बिकेगी बिकेगी, लेकिन अभी अच्छे कस्टमर इसके भी बिल्कुल नहीं आ रहे। दो कस्टमर और हैं, दो से मैं ऑलरेडी बात कर चुका था, लेकिन वो लोग नहीं लेनी, उनको लेनी है बट रेट देने को तैयार नहीं। 438, तो हम लोग इसको 5,15,000 में बेच सकते हैं। 5,15,000 वैसे थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है मुझे, 5 में बिक जाएगी, 5,00,000 $1 कम कर रखा है, तो 5,00,000 में हमारी ये गाड़ी बिक चुकी है। अब बारी आती है इस गाड़ी को बेचने की, 14,00,000 हो चुके हैं हमारे पास। ये गाड़ी बिकेगी तो अपने पास उतने पैसे आ जाएंगे जितने में हम लोग उसको ले सकते हैं। 165, मैंने कितने की बाई करी थी, 76 की बाई करी थी ना, 145 बहुत रेट कम कर दिए मैंने
145 में वो लेव भी करी थी और उसी टाइम पे उसने ले ली गाड़ी। तो अभी अपने पास ये है। अब अगर हम लोग ऐसे ही जाएं 15 लाख, पता नहीं, चांस थोड़े कम लग रहे हैं। एक काम करते ना तब तक, क्योंकि आज का दिन ही है, कल नहीं मिलेगी वो गाड़ी हमको। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग इसको ना, मन तो नहीं कर रहा इसको बेचने का, बट मजबूरी हो गई मेरी, अब इसको हम लोग सेल पर लगा के जाते हैं। और यहाँ पे ना कोई गाड़ी है क्या? एक सेकंड, एक और काम हम लोग कर सकते हैं गाइस, इसको बेचना ज़रूरी नहीं है। हम लोग पहले चलते हैं, देखते हैं कि कितना रेट दे रहा, वरना वहाँ से एक सुप्रा उठा के लेके आता हूँ या फिर कोई और वो मैं बेच देता हूँ। तो हमारे पास 11 बज चुके हैं, मतलब थोड़ा ना जल्दी करना पड़ेगा हमको ये काम, बिना कुछ कराए उसको वैसे के वैसे ही हम लोग बेचेंगे। 15,000 हो चुका है यार, शिट। एक सेकेंड, 15,80,000 बोल रहा हूँ मैं, मिल गई, उम्मीद नहीं थी, बट क्योंकि दो, एक पहले ही गलत हो चुका था, 5,000 कर दिया था मैंने, 50,000 कर दिया था। दूसरा उसने बोला कि एंड ऑफ पेशेंट, तो ये लास्ट वाला था उसका पेशेंस, मतलब ये लास्ट ऑप्शन था हमारे पास, लास्ट राउंड था। अगर इस बार नहीं करता ना तो कुछ भी नहीं होता। तो एक काम करते हैं, इसको धो लेते हैं, धो के चमक जाएगी, फिर हम इसको मॉडिफाई कराते हैं। तो ये गाड़ी अपनी मिल चुकी है और अपने को अब वाली गाड़ी बेचने की ज़रूरत भी नहीं है। बट ये है कि नेक्स्ट एपिसोड में हमको एक ना एक गाड़ी बेचनी पड़ेगी। तो ये आप लोग मेरे को बताना कमेंट करके। अब यहाँ पे और कोई गाड़ी तो है नहीं लेने लायक, अभी हम लोग इसको चलाते हैं। इसके इंटीरियर एक बार देख लेते हैं कि कैसा है, कुछ चेंज वगैरह किया इन्होंने? नहीं, कुछ भी नहीं कर रखा है, वैसा का वैसा ही है। चलो इसको स्टार्ट करते हैं एक बार। ये देखो लैम्बोर्गिनी कितने की दे रहा है बंदा, क्योंकि वहाँ से मैं 9 लाख की बाय करके लेके आ रखा हूँ, 22 लाख की दे रहा है यहाँ पर पुरानी, वहाँ से मैं 9 लाख की नई गाड़ी लेके आ रखा हूँ यार, तभी तो हमको इतना प्रॉफिट मिल रहा है वहाँ से खरीदने में। तो यहीं से हम लोग डायरेक्टली पेंट करने चलते हैं और उसके बाद कराएंगे बाकी काम। यार प्रॉब्लम यह है गाइस कि अभी ना इसमें हम लोग सिर्फ पेंट ही कर सकते हैं, इसको अभी मॉडिफाई नहीं करा सकते हम लोग, पेंट भी नहीं, अभी इसमें कुछ नहीं करा सकते हम लोग, कुछ भी नहीं। ये बहुत महंगी गाड़ी है, इसमें सब कुछ बहुत महंगा होगा। जब हमारी लैम्बोर्गिनी में इतना महंगा हुआ था सब कुछ, तो इसमें तो और महंगा होने वाला है। थोड़ा इसको चला के देखते हैं और उसके बाद, अभी तो इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग। अरे यहाँ नहीं, अभी ना मैं वो जो फियात हम लोगों ने बाय करी है उसको बेचने का मेरा मन नहीं कर रहा। वो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताने कि बेचूं या नहीं बेचूं उसको मैं। अगर आप बोलोगे कि बेच दो तो मैं बेच दूंगा उसको, वरना मैं सोच रहा हूँ कि उसको मैं रख लूं। पता है ऑलमोस्ट नहीं, सारी जो एक्सपेंसिव कार्स हैं वो हम लोग खरीद चुके हैं, सारी सुपर कार्स को, ठीक है। अब जो गाड़ियाँ बच रही हैं वो सारी की सारी रेयर कार्स हैं, तो वो एक अलग चैलेंज होगा उनको लेना। बट फिलहाल आज का जो चैलेंज था वो कंप्लीट हो चुका है। एक बार मैं इसके रेट देख लूँ कि क्या मिल रहा है। हम लोगों ने कितने की बाई करी थी? 4 लाख की बाई करी थी। कितना दे रहे हैं लोग देख लेता हूँ, नई गाड़ी है ना, क्योंकि 884, मैंने 9 लाख डाल रखा है आराम से। इसके मेरे को लग रहा है कि 10 लाख से ऊपर मिल जाएंगे गाड़ी के हमको। तो ये पहली गाड़ी होगी हमारी जो हम लोग 1 मिलियन में बेचेंगे, और उससे जो पैसा आएगा उससे हम लोग अपनी ऑडी R8 को मॉडिफाई करेंगे। 7 लाख दे रहा है बंदा, और ये कितना रेट दे रहे हैं एक बार पता कर लेते हैं, मतलब अच्छा खासा रेट दे रहे हैं। तो फिलहाल हमारे पास हो चुकी है हमारी फियात, जो कि अच्छी गाड़ी है, बहुत अच्छी दिख रही है। इसके इसमें प्रॉफिट बहुत है, पहले भी था अभी भी बहुत है। पहले ये बिक जाती थी 5 के अराउंड या फिर 3 के अराउंड, पता नहीं, 1.5 में मिलकर 3 में मिलकर शायद ये 5-5.5 तक बिक जाती थी, ऐसा कुछ था। ऑडी R8 हमारी, जो कि बहुत महंगी है, और उसके अलावा हमारे पास है लैम्बोर्गिनी। 3 बहुत ही एक्सपेंसिव गाड़ियाँ हैं हमारे पास, और जितनी सुपर कार्स हैं सारी हम लोग बाय कर चुके हैं। तो आप लोग बताने कि रेयर कार कौन कौन सी है और क्या मिलना इतना आसान रहेगा या नहीं रहेगा। फिलहाल आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।